है गाइज, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु स्पेशल एंड ब्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सुबह से अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नहाना हो गया है और ठंड बहुत है और ऐसे धूप भी ऐसे बहुत ही हल्की हल्की निकली है, बहुत तेज धूप भी नहीं है। तो आज मैं फटाफट, धूप नहीं है और थोड़ा सा मुझे काम भी था बालकनी में, तो वो सब मैं निपटा ली हूँ। गेहूँ मुझे धोना था तो धो के और उसे डाली, फिर सोची कि चलो अभी लगे हाथ नहा भी लेती हूँ कृष्णु के उठने से पहले, तो अभी सो रहे हैं तो मैं फटाफट नहा भी ली हूँ। धूप बिल्कुल नहीं है और धीरे धीरे निकलेगी, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ी सी। अभी निकलना स्टार्ट हुई है धूप और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। तो किचन में आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ सब्जी, तो चलो बना लेते हैं। और पूरा आप वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कृषु भी जग गए हैं, तो अभी मैं सोच रही थी कि इनके जगने से पहले मैं चली जाती हूँ किचन में, तब तक ये भी जग गए। से हेलो, से हेलो, अभी ये बात नहीं करेंगे, अभी अभी जग रहे हैं ना। तो आप वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है। मैं कुछ आज स्पेशल रेसिपी आपके साथ लेके आने वाली हूँ, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मुझे और कृषि को देख सकें। अभी नींद आ रही, अभी भी नींद आ रही है। तो चलिए मिलते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये कटहल है, इसे फंगस भी बोलते हैं, जैक फ्रूट भी बोलते हैं। और इसमें इसे कट करने से ना स्टिकी स्टिकी सा निकलता है, उसे वहीं वाइट वाइट दिख रहा है। और ये मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, चाकू ले लिया है। इसमें इसको कट करने के लिए बड़े चाकू की आवश्यकता होती है और फसल की भी होती है, जिसे पता है फसल भी सब्जी काटने के काम में आता है। तो वो अभी मैं लेके मतलब इस्तेमाल करना बंद की हूँ, क्योंकि कृषु लेके खेलने लगते हैं इसीलिए। तो इससे जब कट करेंगे ना तो इस चाकू पे उसका स्टिकी जो होता है वो लग जाएगा। उसको जल्दी से वॉश करके छुड़ाने के लिए हम ऑयल लगा लेते हैं, तो चाकू पे और चॉपिंग बोर्ड पे मैं ऑयल लगा लेती हूँ, फिर अपने हाथ में भी लगा लूँगी, ताकि कट करने के बाद आसानी से मैं हाथ और चाकू चॉपिंग बोर्ड वगैरह धो लूँ। तो मैंने कट कर लिया है और ये देखिए मैंने हाफ बचा भी दिया है, हाफ में ही मेरी सब्ज़ी इनफ है। तो वो मैं छोटे छोटे पीस में भी कट कर ली हूँ। उसके बाद मैं कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी थी, कढ़ाई गरम हो गया है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल के और जो छोटे छोटे क्यूब में कट की थी ना कटहल को, उसे डाल के अच्छे से भून लूँगी। मतलब 20 मिनट ऐसे भूनूँगी, काफ़ी देर भूनना पड़ता है क्योंकि बड़े बड़े क्यूब हैं ना। तो और इसमें मैं 2-3 ऐसे छोटे छोटे आलू भी डाल दी हूँ, ताकि कृषु हमारा खा लेगा, कटहल से पेट में दर्द होने लगेगा उनको, तो मैं आलू डाल दी हूँ। और मैंने इसे तो मसाले तैयार कर रखी है। मसाले में मैंने अनियन चॉप किया है, लहसुन है और कुछ खड़े मसाले भी है। ये मैं पीस कर मसाला ग्राइंडर में पीस के बनाऊंगी, रेडीमेड मसाला नहीं इस्तेमाल करूंगी, बिल्कुल बिहारी स्टाइल से, देहाती जिसे बोलते हैं, उस तरह बनाऊंगी। और ये मसाला की मैं तैयारी कर लेती हूँ, मिक्सर ग्राइंडर में मैं रख ली हूँ। थोड़ी सी लहसुन खड़ा मसाला मैं भी रखी हूँ साइड में, ताकि जब हम प्याज को भूनेंगे तो वो मसाला को डाल देंगे। तो ये हमारा जैक फ्रूट देखिए बहुत अच्छे से भून गई है, बिल्कुल ब्राउन हो गया है। इसे हम एक पतीले में निकाल लेते हैं, फिर हम दोबारा मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हम पहले भी मस्टर्ड ऑयल में कटहल को अच्छे से भून चुके हैं। तो ये देखिए पहले मैं दालचीनी और तेज़पत्ता जीरा डाल के प्याज को भूनूंगी ब्राउन होने तक। बहुत ही आराम आराम से बनाना है, क्योंकि ये सब्ज़ी बिल्कुल मटन जैसी बनने वाली है। जल्दी जल्दी करेंगे तो टेस्ट बिगड़ जाएगा, इसीलिए इसमें मटन जैसा ज़्यादा बहुत सारा प्याज भी लगता है और मसाले भी बहुत ज़्यादा ही लगते हैं। तो मैंने जितने भी खड़े मसाले मैं डाली हूँ ऐसे ऑयल में, उतना ही मैंने पीसा भी है। तो ऐसे गरम मसाला को ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और गोल मिर्च जिसे काली मिर्च भी बोलते हैं,
लौंग वगैरह अच्छे से पीस के फिर मैंने उसे डाल दी हूँ। हमारा अनियन ब्राउन होने तक भुन चुका है, फिर हम मसाला डाल दिए हैं। मसाला डालते के साथ ना नमक हल्दी डालना ज़रूरी होता है ताकि वो अच्छे से मसाला भुनने लगे। और जो हमारे पैन में बचा था ना, पैन मीन्स जार में, उसको मैं पानी डाल के भी डाल देती हूँ ताकि अच्छे से भुन जाए। ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, ऑफकोर्स बहुत लोग बनाते होंगे अपने तरीके से, लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ मैं वो बता रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और गैस को ना बिल्कुल कम करके भुनना है ताकि अच्छे से मसाला भुन जाए। और तेल रिलीज होने के बाद हमें जो भुना हुआ जैक फ्रूट कटहल काट के रखी थी भुनकर, उसे डालना है। और पानी एक साइड में गर्म होने के लिए रख दी हूँ, तो पानी भी हमारा गर्म हो रहा है। और पानी गर्म हो रहे हैं वही पानी डालना है, और मसाले के साथ जो जैक फ्रूट है ना उसे 2-4 मिनट तक भी भून लेंगे ताकि हमारा कटहल का कटा हुआ वो अच्छे से भून जाए, वो भी गर्म हो जाए। देन हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और गैस को बिल्कुल कम करके लो फ्लेम पे पका लेंगे, क्योंकि इसे पकने में बहुत टाइम लगती है। हम कुकर वगैरह में नहीं डाल रहे हैं, हम कढ़ाई में ही पकाएंगे ताकि स्वाद उसका बहुत ही अच्छा है, मटन जैसा आए। टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि इसकी स्वाद कैसे बदलने वाली है, बिल्कुल मटन जैसी लगती है इसकी टेस्ट। तो बहुत ही आराम आराम से बीच में चला चला कर बना लेने हैं सब्जी को, और बीच बीच में चलाते रहिए ताकि अच्छे से उसका अनियन जो है और मसाला है अच्छे से मिल जाए, और कटहल का भी छोटे छोटे टुकड़े जो रेसा होता ना वो निकल जाए, उससे ना बहुत अच्छी बनती है, सारे ग्रेवी में ना मिक्स हो जाती है। देखिए मेरी सब्जी पक चुकी है और आलू भी ना पक गई। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद और आपको अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए मेरी सब्जी बहुत अच्छी बनी है, तो आप भी अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार प्लीज़। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई करेंगे। मैंने थोड़ी सी कटहल बचाई भी है, तो इसे मैं नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी इसका कुछ स्पेशल सा। तो अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ हमारी वीडियो इन्जॉय कीजिए। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।